नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान गंगराड़े। आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। जब भी कोई पार्टी नई नई सत्ता में आती है तो उस पर बहुत बार बदले की राजनीति करने के आरोप लगते हैं, लेकिन यहाँ भी मुकाबला कई बार बराबरी का हो जाता है तो कई बार कोई पार्टी बुरी तरह से पिट जाती है। इस बार फंसी नजर आ रही है महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज शिवसेना या पूरा महाविकास आघाड़ी। हाल ही में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के घर ईडी ने छापेमारी की। थोड़ा ही वक्त बीता था कि यशवंत जाधव के घर आयकर विभाग की टीम पहुंच गई। नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध के आरोप है। इसी आधार पर ईडी ने उनके घर छापेमारी की। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के खिलाफ भाजपा जो षड्यंत्र कर रही थी, आज उसे पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई नोटिस तक नहीं आया, बिना नोटिस के यह कार्यवाही की गई है। यह महाराष्ट्र का अपमान है। महाराष्ट्र के अपमान का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत इन सब में बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। फरवरी के शुरुआती हफ्ते में संजय राउत के करीबी और रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत पर ईडी ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद संजय राउत की बेटियों के फर्म में पार्टनर सुजीत पाटकर पर ईडी ने छापेमारी की। तब तक तो संजय राउत ईडी के अधिकारियों को चाय पिलाने की बातें करते रहे, लेकिन सांसद महोदय तब आक्रामक मोड में आ गए जब उनकी बेटी के शादी के डेकोरेटर से ईडी पूछताछ करने पहुंच गई। इस पूछताछ पर संजय राउत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारे ऊपर दादागिरी करने की कोशिश न करें, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। धमकियां देने वाले सिर्फ इतना याद रखें कि मुंबई का दादा और कोई नहीं, शिवसेना है। उन्होंने ईडी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए बीजेपी नेताओं के जेल जाने की चेतावनी दी थी। अब तक महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख, अनिल परब, प्रताप सरनाईक, भावना गवली, नवाब मलिक, यशवंत जाधव पर कार्यवाही की गई है। हालांकि शुरुआत बीजेपी नेता नारायण राणे की गिरफ्तारी से होना लगती है। दरअसल राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह दी थी, जिसके बाद शिवसेना ने उन्हें गिरफ्तार करवा कर एक दिन की जेल की हवा भी खिलवा दी। संभवतः इसी के बाद से केंद्र विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों के जरिए बदले की राजनीति कर रहा है। एनसीपी नेताओं पर लगे आरोप सही हैं या फर्जी, ये आगे पता चलेगा। शिवसेना और महाविकास अघाड़ी खुद को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहे वोकल न्यूज शहडोल।